ये देखिए पराठा विद चटनी कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो आइए हम सिखाते हैं आपको। ये मैंने चने की दाल को रात में भिगो दिया था और सुबह इसको धुल के छान लिया है। और ये मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, फिर जीरा लिया है, लहसुन की कलियाँ ली, अदरक लिया है, दो लाल मिर्च खड़े लिए हैं और मेथी लिए हैं। इन सबको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हींग। अब इसमें हम जो अपना हमने पेस्ट बना के रख लिया है उसको ऐड कर देंगे स्लोली स्लोली। इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको धीमी आंच पे भूनेंगे, मसाले ऐड कर देते हैं इसमें। मसाले में गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च हम लोग पहले ही डाल चुके हैं तो थोड़ी सी डालेंगे, और नमक, नमक स्वाद अनुसार रहेगा। और इसको अच्छे से भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमको धीमी आंच में इसको भूनना है। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रह कीजिए। तो हम लोगों को ये इंस्पायर करता है ताकि हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहें आप लोगों के लिए। लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से पढ़ के आपके कमेंट का ध्यान रखूंगी। ये देखिए हमारा बन गया है अच्छे से, मैंने इसकी फ्लेम भी ऑफ कर दी है। अब आइए हम अपना बैटर तैयार करते हैं, एक डो जो हमको तैयार करना है जिसमें हमको चावल के फले बनाने हैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया है और ये मैंने एक बड़ी बाउल चावल का आटा लिया हुआ है, ये इसमें मैं डाल दूँगी। और ये मैंने गर्म पानी कर लिया है, इससे मैं इसका डो तैयार करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है बस, ताकि इसके बेस में भी आ जाए। इसके हल्के हाथों से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। गर्म पानी से इसलिए क्योंकि ये चावल का आटा है, तो इसलिए ये उतना स्मूथ नहीं होता है, इसको बनाना पड़ेगा। इसका एक डो तैयार कर लेंगे हम लोग।
अच्छे से कर लेंगे ताकि इसमें कहीं भी गलतियां ना रहे। ये देखिए हमारा एक डो तैयार हो गया। इसको मैं आपको हाथ पे भी दिखाती हूँ और ये बहुत ही अच्छी खासियत होती है किसी भी आटे को सानने की, अगर वो अपना जिस बाउल में बनाया जा रहा है उसको छोड़ दे। जैसे कि मेरा ये देखिए बन गया ना स्मूथ। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम इसके छोटी छोटी गोलियां बना के उसमें अपना मिक्सचर करेंगे। तो देखिए हमने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब आइए इसको करने से पहले हल्का सा ऑयलिंग कर लेते हैं हाथों को। ये मैं हल्का सा ऑयलिंग कर लेती हूँ। ऐसे मैं छोटे छोटे गोलियाँ बनाऊंगी जिसमें मिक्सचर हम भरेंगे। इसको ऐसे ऐसे बना देना है पतली पतली। जी अब इसमें हम अपना मिक्सचर भर देंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको कोई भी शेप आप दे सकती हैं। ये मैं ऐसे शेप दे दूंगी गुजिया के आकार का, वो अच्छा लगता है। ये मैं ऐसे दबा दूंगी इसको, ये ऐसे। ये देखिए बन गए ना। तो ऐसे ही हम और बना लेंगे। ये देखिए हमने तैयार कर लिए हैं ये अपने सारे चावल के फरा। ये हमने एक भगोने में पानी लेकर और इसको ऊपर छन्नी रख दिया है। इसको हम हल्का सा ऑयलिंग कर लेंगे और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम इसमें अपने फरा को रख देंगे। हल्की सी ऑयलिंग करनी है उनको ताकि वो हर जगह लग जाए और मैं अपने फरों को अब रख दूँ। इसको ढक्कन की सहायता से ढक देना है उनको। प्लेट रख देंगे इस तरह से और इसको होने देंगे थोड़ी देर, मिनिमम 10 मिनट्स तो रखना ही है हमको। ये देखिए हमारे पक गए हैं, ये भी हम निकाल लेते हैं। ये मेरे पहले वाले पक गए, इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब इनको आप इसको स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकती हैं और फिर जब आपको खाना हो तो इनको अच्छे से फ्राई करके सर्व करें और टेस्ट लें। ये देखिए हमने इनको निकाल दिया। अब इनको हम कट करके 2 पीस में फ्राई करेंगे। मैंने इनको 2 पीस में कट कर लिया। मैंने अपना पैन गैस पे ऑन रख दिया है। इसमें एक बड़े स्पून घी डाला है। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा जब अच्छे से चिटक जाएगा, ये देखिए हमारा जीरा चिटक चुका है। अब इसमें हम इसे डाल देंगे। से पकने देंगे थोड़ी देर। अब इसमें हम लोग चाट मसाला ऐड कर देंगे ऊपर से हल्का सा, जिससे टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखिए हो गए। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे बड़ा तैयार हो गए। अगर आपको अच्छे लगे मेरे
वीडियोस भी अच्छे लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।